नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम। भिवंडी के जो रोशन बाग के नौ घरों का जो मामला था, आज कमिश्नर भिवंडी महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, कमिश्नर साहब से भिवंडी के कई सारे नेताओं ने आज साथ में मीटिंग की और नौ परिवारों को भी साथ में लिया। परिवार वालों ने अपनी समस्या रखी और उन्होंने जो बात कही, जिस तरह से बात रखी अपनी, कि उन्होंने उनका जो आरोप था कि मार्किंग के अलावा और ज़्यादा जो तोड़े गए घर थे, उनकी जो उन्होंने बात रखी, उस बात को गंभीरता से लेते हुए आज कमिश्नर साहब ने सारी बातें साफ साफ कर दी कि किस तरह से कंपनसेशन मिल सकता है, किस तरह से मतलब इनको वापस कुछ हो मदद हो सकती है। सारे नगर सेवक उपस्थित थे, वहाँ के वार्ड के भी नगर सेवक उपस्थित थे, उन्होंने भी अपनी बात बताई और दूसरे जो नगर सेवक थे, समाज सेवक थे और सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से कमिश्नर के सामने बात रखी, मगर भिवंडी कमिश्नर जो अजय वैद्य सर है, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर पेपर हो गए तो कंपनसेशन मिल सकता है, टीडीआर मिल सकता है। मगर इसमें एक बात और सामने अभी आई है इसमें, कि जिस तरह से भिवंडी में जो डेवलपमेंट के नाम पर मतलब डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके लिए भिवंडी की जनता को मतलब ये विनंती भी की गई है कि आगे डेवलपमेंट होने वाला है और इस तरह से रोड वाइंडिंग होने वाला है, और 4 तारीख का टाइम दिया है। 4 तारीख के बाद भिवंडी शहर के जो अजय वैद्य सर है, कमिश्नर सर, खुद उस स्पॉट पर आकर वो जगह का देखेंगे और अपने इंजीनियर से फिर से वो नए सिरे से फिर से उसकी मार्किंग करेंगे। अगर मार्किंग के अलावा इनका अगर घर बचता है तो उसके लिए महानगर पालिका पुनः विचार कर सकती है, पुनः कुछ ना कुछ उसके लिए रास्ता निकाल सकती है, या उनको अलग से और मतलब अलग से इनके ऊपर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में नेताओं को और उनके घर वालों को, परिवारों को एक आश्वासन ये भी दिया गया है कि इस पर थोड़ा बहुत सोचा जाएगा, मगर अगर लीगल है तो, अगर लीगल नहीं है, बेकायदेशीर है, तो उस पर जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई उस वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन घर वालों को, परिवारों को अब भी उम्मीद है और हो सकता है कि 4 तारीख के बाद में जो लड़ाई चल रही है, इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया था, लेकिन अब इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। अब इनको 4 तारीख के बाद में आगे क्या होगा, हम आप एसटीएस टाइम से आपको दिखाएंगे। बेघर कर दिया गया, इसको लेकर जो है शहर में राजनीति की काफ़ी गर्माती हुई दिखाई दी। आज वही मुद्दे को लेकर आप लोगों ने महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात की, तो क्या डिसीजन लिया गया, क्या आश्वासन दिया गया है, या आपको कुछ उस कदम उठाने वाली महानगर पालिका? देखिए, 25 जून को रोशन बाग में रोड वाइंडिंग के अंदर 9 परिवार घरों को रोड वाइंडिंग में तोड़ दिया गया, और 25 तारीख को जो पीड़ित परिवार है वो बेचारे आज तक वहाँ बाहर बारिश के अंदर वहाँ बसे हुए हैं। कोई अपने सिरा के लिए जाकर रात में सो रहा है, कोई अड़ोस पड़ोस में जाकर सो रहा है, ना उनको खाने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है। बहुत अफसोस की बात है, ये जो 9 घर को तोड़ा गया है, ये 3 बार रोड वाइंडिंग के अंदर उसको तोड़ चुका गया है। बार बार उसी और 9 घर को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ और भी घरें हैं, वहाँ पे लोग अपने हाथों से कोई खिड़की निकाल रहा है, कोई दरवाज़ा निकाल रहा है, लेकिन इन 9 घरों को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है, और कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन ने यहाँ पे गलती की है, जो मुझे समझ में आ रहा है। और मार्किंग के अंदर जैसे इनका आरोप है 9 परिवार वालों का, कि मार्किंग के अंदर कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने गलत मार्किंग की है, 1 मीटर 1.5 मीटर हो रहा था, इन्होंने 3 मीटर पर मार्किंग करके तोड़ा है घरों को, तो ये बहुत गलत तरीके से तोड़ा गया। उसके लिए हमने वाल्या मामा को फ़ोन किया, यहाँ सब नगर सेवक से रब्ता किया और फिर मार्किंग साहब से रब्ता किया, तो वाल्या मामा ने कमिश्नर साहब से बात की कि भाई वो 9 घरों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई पर्याय होना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं मदद मिलना चाहिए। और गलत तरीके से अगर तोड़ा गया है तो कॉरपोरेशन उसको वापस से मकान बना के देना चाहिए। तो हमने कमिश्नर को संक्षेप द्वार बंद होने की वजह से हमारा रास्ता नहीं हो पाया। आज 3 के दिन दोपहर में 3 बजे कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई, उसमें सब नगर सेवक, यहाँ पर इमरान भाई है, अहमद भाई है, मकसूद भाई है, सलाम मातु साहब है, और बाकी सब सभी पार्टी के नगर सेवक थे यहाँ पे, और कमिश्नर साहब से बात की। तो सबसे पहले मांगनी हमने यही की है कि जो मार्किंग हुई है वो वापस से वहाँ पर विजिट किया जाए और कुछ चेक किया जाए, सही हुई है कि गलत हुई है। और मार्किंग के लिए उन्होंने 4 तारीख का हमको टाइम दिया है,
क्योंकि अभी आचार संहिता भी है और दूसरी बात है अधिवेशन भी चालू है, तो इंजीनियर हो सकता है यहाँ पे रहे नहीं, तो 4 तारीख को वापस से वहाँ विजिट करेंगे और मार्किंग हमें वापस इंशाल्लाह चेक करेंगे, और उसके बाद अल्लाह ना करे उनका घर जाता है उसके अंदर भी, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी मदद कॉरपोरेशन से मिल सके वो मिलना चाहिए, और उसके अलावा हमारे से जो मदद हो सकती है वो इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। और इसमें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मीडिया के थ्रू हम लोग देख रहे थे रोज वीडियो वहाँ की आ रही थी, किसी मजलूम से आप खेलिए मत और उसमें सियासत मत करिए, ये सियासत का वक्त नहीं है, जिसका घर गया है कोई जानता है तकलीफें क्या है, तो इस वक्त हमको आज हमारा वो भी हमारे शहर के हिस्सा है, आज हमारा फर्ज बनता है उनके लिए खड़ा होना, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम सब साथ में खड़े रहेंगे उनके, और उनको पूरा इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे, और आगे भी जो DP प्लान में जो घर या दुकानें या कारखाने टूटने वाले उसके लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, अभी हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई है वो 5 तारीख के बाद एक कमेटी बनाएंगे, उसके लिए भी क्या प्लान होना चाहिए किसी का नुकसान नहीं हो उसके लिए भी इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी जो 9 परिवार के लोग अभी फिलहाल देखा जाए 4 तारीख के बाद जो है उसका डिसीजन लिया जाएगा, अभी 4 तारीख तक के उनके लिए पर्याय मार्ग क्या निकाला गया, क्या वो अभी इसी तरह रोड पर ही रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए व्यवस्था के लिए वहाँ पे अड़ोस पड़ोस वाले ने भी किया है, और लेकिन वो वहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहते, उनका कहना ये है कि हम वहीं रहेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हमारी कोशिश रहेगी उनको हम परिवार के लोगों का मानना है। भाई जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि हमारा जबरदस्ती तोड़ा गया है करके, उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया? ये उसी की लड़ाई चालू है, 4 तारीख को फाइनल होगा, वापस से क्या मार्किंग चेक किया जाएगा, अगर कमिश्नर और अपना महानगर पालिका की गलती रहेगी तो उनका पूरा शहर के अंदर उनका पर्दाफाश हो जाएगा, इसका वजह से पहले भी जितना भी हुई है मार्किंग वो गलत हुई है, तो अभी 4 तारीख को रिश्ता डिस्टर्ब होगा। जिस तरह से पूर्व नगर सेवकों पर मीटिंग में भी खुला आरोप लगाया गया और आयुक्त साहब ने क्लियर कट बताया कि भाई बकरीद का टाइम था, त्यौहार का टाइम था, इसके लिए उस कार्रवाई को रोका गया है ना, उन्होंने ऑन द पेपर बताया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए नगर सेवक तो कोई भी हो वो कभी नहीं चाहेगा उसके वार्ड में मतलब उनका किसी का नुकसान हो, भाई वो नगर सेवक पूरे वार्ड के रहते हैं, और मैं नहीं समझता ये इसके अंदर जो ये मामला हुआ है, ये कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब ने खुद कबूला है उस मीटिंग के अंदर कि नगर सेवकों की इसमें कोई गलती नहीं है, नगर सेवक का इससे कोई वास्ता नहीं है, जो वास्ता है हमारा महानगर पालिका का है और हम कानून से काम करते हैं, इसमें नगर सेवक का कोई कुछ लेना देना नहीं, 50 साल से वो रहे थे तो नगर सेवक का मैं समझता से कोई होगा, पर पहले कह दिया कि सियासत नहीं करना है, हम सबको मिलजुल कर एक साथ होकर हमको उनको हिसाब दिलाना है, और आगे जो DP प्लान का मामला है उसमें कोई रास्ता निकालना है। सर दुसरा एक सवाल करते रुपेश जी, ये सांगा कि जसं आता डेव्हलपमेंट प्लॅनसाठी आयुक्त साहेब बोलले का आम्ही कारवाई करणार आहे, पुढे पण कारवाई करणार आहे, तो इस कारवाई को लेकर जैसे आगे दिक्कत आने वाली है, बहुत स्लम इलाका है पूरे शहर में, काफ़ी सारी झोपड़पट्टी है कि बहुत लोगों के पास अपने पेपर नहीं होंगे, तो उनके ऊपर जो बुलडोजर चलने वाला है उसके लिए आप क्या करने वाले, आगे की क्या तैयारी है, इस तरह से जो अभी 9 घरों का हुआ आगे भी घरों का हो सकता है, उसके लिए क्या करने वाले? सर्वात प्रथम तर आजची जी कारवाई झालेली आहे 25 जूनला कारवाई करण्यात आलेली आहे, खरं तर रोडवाइडिंग असो किंवा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई असू दे, एक मानवतेच्या दृष्टीने नियम झालेला आहे की पावसाळ्यामध्ये कुठल्याही राहत्या घरावर कारवाई होऊ नये, तर त्यामध्ये राहणाऱ्या माणसांना त्या ठिकाणी अडचणी निर्माण होऊ नये अशा प्रकारची एक परंपरा आहे, की पावसाळ्यात आपण कुठल्याही प्रकारची तोडण्याची मोहीम किंवा तोडण्याची त्या ठिकाणी कारवाई करत नाही, परंतु या ठिकाणी तशा पद्धतीची कारवाई केलेली आहे आणि त्या कारवाईमध्ये 9 घरं जी आहेत ती बाधित होऊन त्या 9 घरांमध्ये राहणारी अनेक लोकं आहेत की त्या लोकांना बेघर व्हावं लागलेलं आहे, आणि असं असताना खरं तर कॉर्पोरेशनने ही संपूर्णतः जबाबदारी घेऊन प्रथमतः या कारवाईचाच चुकीची कारवाई झालेली आहे की ती कारवाई होऊच नये, आणि राहिला विकासाला कुठल्याही प्रकारचा आमचा कुणाचाच माजी नगरसेवक असतील ह्या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी असतील या कुणाचाच विकासाला कुठल्याही प्रकारचा अडथळा किंवा विकासाला विरोध नाही, तर विकास झालाच पाहिजे, परंतु काही नियम आहेत, काही गोष्टी अशा आहेत की त्या वेळेत केल्या पाहिजेत, तशा पद्धतीने महापालिकेने करावं, आणि ज्या काही रोड वाडींच्या मार्जिंग आहेत त्या मार्जिंगमध्ये सेंटर पॉईंट पकडून त्या ठिकाणी त्याला सेंटर पॉईंट नंतरच
दोन्ही बाजूला सेम सेम समान अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी रोडवाईडिंगचं पार्किंग केलं पाहिजे आणि हे पार्किंग साईट व्हिजिट त्या ठिकाणी इंजिनियर लोकांनी करून केल्या पाहिजे. परंतु बऱ्याचशा रस्त्यांमध्ये ह्या अडचणी आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत की ज्या ठिकाणी कारवाई झालेली आहे त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी रस्ते हे वळवण्याचं काम किंवा एखाद्या माणसाला वाचवण्याचं काम ह्या आधी देखील बऱ्याच रस्त्यांमध्ये झालेलं आहे. माझं तर असं स्पष्ट म्हणणं आहे की ज्या ज्या ठिकाणी गरीब गरजू लोक जे आहेत त्यांना वाचवता येईल ते वाचवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न सगळ्यांनी केला पाहिजे आणि महापालिकेचा विकास होत असताना नक्कीच सहकार्य केलं जाईल. परंतु हे विकास होत असताना त्या ठिकाणच्या ज्या बांधकामं आपण तोडतो आहोत त्या बांधकामांना त्या ठिकाणी जो कॉम्पोजिशन आहे मोबदला आहे तो मोबदला व्यवस्थित प्रमाणात मिळाला पाहिजे. खरं तर भिवंडीमध्येच जो मोबदलाचा जी पॉलिसी आहे ही पॉलिसी व्यवस्थित प्रमाणात राबवली जात नाही. बाकी ठिकाणी सगळीकडे कॉर्पोरेशन पॉलिसी अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबवली जाते. मग हायवेची असेल तिला आपण पाहतो की 4 पटीने त्या ठिकाणी मोबदला मिळालेला आहे. बुलेट ट्रेनचं असेल 4-4, 5-5 पटीने दिलं जातं आहे. भिवंडी महापालिकेनंच आता केली कॉर्पोरेशनचा नियम जो आहे तो या ठिकाणी डावलण्याचा किंवा त्या ठिकाणी मदत न देता फक्त TDR तो TDR पब्लिकच्या कुठल्याही कामात येत नाही. ज्या TDRला कोणी फारसं विकत देखील घेत नाही त्या TDRच्या माध्यमातून फक्त लोकांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम महापालिकेकडून होत आहे. म्हणून ही प्रथमतः TDRची पॉलिसी किंवा कॉर्पोरेशनची पॉलिसी जी आहे ती बदलण्याचं काम केलं पाहिजे. आणि त्यासाठी आता लोकल बॉडी नाही, लोकल बॉडी आल्यानंतर नगरसेवक करतीलच, परंतु लोकल बॉडी नसताना आयुक्तांनी पुढाकार घेऊन त्या पॉलिसीसाठी राज्य सरकारकडे प्रयत्न केले पाहिजेत आणि त्या तशा पद्धतीने त्या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे. आयुक्त महोदयांनी त्या ठिकाणी आश्वासित केलेलं आहे की तशा प्रकारच्या पॉलिसीसाठी भिवंडी शहरामधले जे जुने नगरसेवक आहेत, जाणकार आहेत, त्यांना एकत्रित घेऊन त्या पॉलिसीसाठी प्रयत्न करणार आहेत. तेव्हा आता जे 9 फॅमिलीवर जो अन्याय झालेला आहे तो अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांचं त्या ठिकाणी निवारा केंद्रामध्ये त्यांना सेटल केलं पाहिजे किंवा त्यांचं जे बांधकाम जर चुकीच्या पद्धतीने तोडलं असेल तर ते बांधकाम त्या ठिकाणी पुन्हा त्यांना तसं तसं दिलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की भिवंडीमध्ये बऱ्याचशा प्रमाणात जागा जी आहे ही सरकारी आहे किंवा फॉरेस्टची जागा आहे. या फॉरेस्टच्या किंवा सरकारी जागेमध्ये जी बांधकामं आहेत त्यामध्ये कॉन्सर्वेशन पॉलिसीमध्ये हे बसत नाही की जागा वेगळी आणि घर वेगळं असतं. जागा कुणाच्या तरी नावावर आहे आणि घर वेगळ्या माणसाच्या नावावर आहे त्यामुळे त्याला मोबदला मिळत नाही. किंवा ज्याचं घर असेल तो वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी राहतोय, अनेक वर्षाची घरपट्टी भरतो, पाणीपट्टी भरतोय, त्याला त्याच्या घराचा मोबदला मिळाला पाहिजे. अशा प्रकारची मागणी आज आम्ही आयुक्तांकडे केलेली आहे. निश्चितच त्यामध्ये ते सगळ्यांचा मतांचा विचार करून तशा पद्धतीचं पॉलिसीसाठी प्रयत्न करतील आणि या सर्वांना चांगला मोबदला मिळावा अशा दृष्टीने प्रयत्न होतील. ओके, थँक्यू, धन्यवाद.